Can you hear, can you hear, can you hear my voice? Coming through, coming through, coming through the noise. I'm floating through outer space. I'm lost in- Hello guys, welcome back to our YouTube channel. तो आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल सुगम पाटिल व्लॉग्स में. आज हमें साइलेंट हिल रिसोर्ट मनोर रोड और मैं हो गया चिकना क्योंकि मैंने निकाल दिए पूरी बीड मेली मेरी वो गलती से मेली हो गया. तो अभी हम आए साइलेंट हिल रिसोर्ट. तो अभी हम घूमने वाले हैं यहाँ पे और ये बहुत बड़ा लग्जरियस रिसोर्ट है. तो अभी हम जा रहे हैं आगे और यहाँ पे देख सकते हो आप. चलो हमको आज इनवाइट किया है साइलेंट हिल रिसोर्ट ने और हम आज देखने वाले क्योंकि ये लग्जरियस होटल है. होटल ही इसको बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे आप जितना घूमोगे आपको कम है. कम से कम दो दिन चाहिए आपको इधर यहाँ पे घूमने के लिए. मेरे पीछे का आप व्यू देख सकते हो. मैं और मेरे साथ है अक्षय भाई, वो भी व्लॉग बना रहा है और आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे. देखो आप जितना घूम सकते हो उतना इधर कम है. और यहाँ पे सामने रिवर भी है, देखो आपको रिवर भी मिलेगा. साढ़े तीन लाना, चलो ओके. ये है यहाँ का माहौल. अभी हम जा रहे थोड़ा आगे, अभी हम एंटर कर रहे हैं अंदर और बाद में देखेंगे और क्या क्या है. और थैंक यू सो मच साइलेंट हिल रिसोर्ट क्योंकि उन्होंने हमको इनवाइट किया है. तो गाइस पीछे आपका आवाज़ आ रहा रहेगा डीजे का. उधर पुल पे सब मजा कर रहे हैं लेकिन हमें अभी पेट पूजा करने के, सुबह के अभी बजे 9 और हमें करना है ब्रेकफास्ट. इसके लिए हम अभी जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए. पूल लेकिन अभी हमें ब्रेकफास्ट का, ये बहुत बड़ा एरिया है इसके लिए हमें मालूम नहीं पड़ रहा है किधर ब्रेकफास्ट करने के लिए जाने का. इसके लिए हम ढूंढ रहे हैं कभी से, आई थिंक इधर रहेगा. गाइस हमारा ब्रेकफास्ट करके हो गया है और ये देखो मैं अभी चिकना चिकना बन गया हूँ. पूरा ब्रीड निकाल दिया है मैंने. क्यों निकाला रहे? क्योंकि वो श्रावण चालू होएगा ना, श्रावण बारिश वाला श्रावण चालू होगा इसके लिए. तो अभी हम जा रहे हैं स्विमिंग पूल में. सुगम कब से इधर चेंज करने गया है समझ में नहीं. निकलना भाई इतना टाइम, चल नहीं तो आएगा अंदर आएगा. हाँ रेडी हो गया है भाई, चलो अभी निकलते हैं स्विमिंग में. शॉवर एक बंद ना हो जाए, शॉवर बंद ना हो जाए. तो गाइस अभी हम हो गए रेडी, अभी हम जा रहे स्विमिंग पूल. बारिश के मौसम चालू है, बारिश का मौसम. तो गाइस ये भाई लोगों ने हमको ये दिया है सब एयर करने के लिए. तो अभी हम जा रहे हैं, देखते कितना बड़ा स्लाइड है क्या है. आम्ही पुढे बसतो, तू मागे बस. म्हणजे मला पुढे टाकू पाय डायरेक्ट मांडी करून बसता, मांडी करून बसू असे वरती. आईचे आपले दोघं जाऊ काय बरं, जाऊ नाही गेलं तर नाही गेलं बसू पायात मी ठेवा पुढे लागते लागते का मांडी घालू ना. हा आणि एका तरीला झुकू ना काय कायम केलं तर पलटे होऊन जाईल. तू तुझा नंबरवाला आहे का? नाही असं काढू का तुम्हाला चांगलं
जास्त खाली वर नको करू. ओ माय गॉड, बेकार आहे बेकार आहे. डेंजर अक्षय गाइस, गांड फट गई. ओ माय गॉड, डेंजर डेंजर, ते एकदम ठोकायला गेले आपण. डेंजर वाढला. तो गाइस सबसे पहली राइड जो थी ऐसा गया ना ऊपर, ऐसा लगा अभी गए ऊपर से नीचे. बहुत डेंजर है ये वाला पोर्शन. अरे यार आगे मैं बैठा था, आगे मैं बैठा था, आगे आगे सीधा पलटी हो जाता. अरे दो मिनट के लिए ऐसा लगा गया ना, पैर मारा रिटर्न गया. फिर बोलो पे डस दे गया यार. चलो चलो ऊपर जाते ऊपर. हम पहली बारी अक्षय की स्लिप ही नहीं हो रहा है. तो गाइस देखते हैं हम स्लिप हो रहे क्या. स्लिप अरे स्लिप ही नहीं होता वो. नहीं नहीं स्लिप होता है लेकिन बहुत स्लो स्लो चलता है. देखो रुक गया इधर ही. अरे मैं आले लो भारी रे. मैं अच्छा जा रहा था, अक्षय ने मुझे रुका दिया, ठोक दिया हम दोनों एक दूसरे को. स्लिप ही नहीं होता. तो गाइस अभी हमें इंडिया के सिंगापुर में हो रहे हैं. देखो सिंगापुर का लोगो यार, कुछ नहीं शनि सिंगापुर आया. अभी हम जा रहे हैं 6 फीट के स्विमिंग पूल में. जाऊँ ना भाई, मरने के लिए तैयार हूँ. हाँ रेडी रेडी. ओ भाई थाम, लेट्स गो डिको. उसको धक्का देता हूँ मैं. रुक. अरे थोड़ा बूढ़े गया था ना ये. अरे जा ही नहीं रहे साला. जा जा गया. खतरनाक था ये. ढोकला ढोकला ढोकला. चलो अभी गाइस ये वाला हम लोग को लगा था बहुत डीप है, बट हम लोग का पचका हो गया है. तो अभी हम लोग जा रहे हैं वो साइड के पूल पे. आई थिंक सो वो डीप है, बट देखते हैं उधर भी पचका हो सकता है. लेट्स सी. तो अभी हम लोग जा रहे हैं 7 फीट वाला स्विमिंग पूल पे. तो देखते हैं. जम जम करो. अरे डायरेक्ट खाली बघायचं ना. मी डायरेक्ट खाली बुडवत होतो असं करू. हा गणेश व्हिडिओ पाहू.
और भाई आ गया अपना, अभी मेरा वीडियो निकलने वाला है, मेरे को फट रही बहुत। बहुत बेकार हो गया उसको। भाई डर लग रहा है। और देखते हैं अपना भाई कैसे जाता है। हेलो, वन टू थ्री, चलो धक्का। ये भाई सीधा ठोकने वाला है। हाँ जाम भी कर वाटे ना, आज फाटते आता। डीकू डीकू दूसरे लोग को हेल्प कर रहा है अच्छे से। ऐसी कह रहे का अरे जाम इकड़े ऐसा वाटेल का। अभी अक्षय ट्राई करने वाला है, देखते हैं। अक्षय जा एक बार, जा एकदा एकदा जा एकदा जा ना, मैं खालती जाऊँ, मैं पंच जा ना बा एवढी गण फटे जय। चल चल मी धक्का मारतो घे ना, कसं व्हायचं एवढी फाटेल असं का जय। हा धक्का लाव जरा पुढे, एवढा धक्का थोडा अजून, हा असं, हा हा आणि पायने धक्का मार, मार पायने मागे धक्का। हा चालेल घे जा, मार धक्का मार ना पायने मागे। हा लाव, हा जा लाव, लाव थोडं 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 घे थोडं अजून। अरे काय रे, हा बस वरच बघ, अभि हम इधर से रिटर्न नीचे जा रहे चालू करते हैं। अभी ये स्लाइड भी चालू की है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा कोई है नहीं क्योंकि सबको मालूम है ये बंद रहता है, इसके लिए इधर कोई आता नहीं जाता। तो अभी हम स्विमिंग पूल में थोड़ा चिल आउट करेंगे क्योंकि ये पूरा खाली है, खाली, और जितने भी है सब नीचे है। और वो साइड इधर यहाँ पर टोटल चार पूल है, एक बड़ा है 6 फीट, एक उससे नीचे 5 फीट या 4 फीट ऐसा कुछ है, और ये सब 3 फीट 2 फीट वाले। तो अभी हम मज़ा करने के लिए आए 3 फीट में। हेलो की तो गाइज हमने हमारा खाना पूरा ले लिया है, अभी हम जा रहे हैं यहाँ पे, जहाँ पे हमारी सीटिंग पोजीशन हमने पहले रेडी करके रखे हैं, हमने बैग रख दिए इधर, और आप अब भी खाना देख सकते हो। नॉन वेज नहीं है लेकिन वेज में बहुत सारी क्वालिटी वाला खाना है, जैसे कि सबसे फर्स्ट आप देखना तो इनका टिश्यू पेपर जिस पे लिखा है साइलेंट का पूरा एड्रेस, और यहाँ पे सलाद, पनीर की सब्जी, आलू आलू और मेथी, थोड़ा थोड़ा राइस और डाल लिए, और ये
पोटैटो पैटीज और स्नैक्स थोड़ा, बहुत सारी चीज़ें हैं बट मैंने इसमें कुछ रहने का रह गया है मेरा, लेकिन मुझे अभी इतना बॉस हो गया और ये स्वीट है पापड़। तो चलो खाना स्टार्ट करते हैं और बाद में जाते हैं वापस रिसोर्ट में चेंज करके आए, क्योंकि गीले कपड़े में हमको खाने के लिए बहुत कंटाला था। इसके बाद वापस जाके चेंज करेंगे और बाद में बातचीत करेंगे। तो भाई खाना खाने के बाद यहाँ पे मिलता है छास, तो हमने एक एक ग्लास छास पे लिया। खाने के बाद छास पीना मत। तो भाई जैसे कि मैंने आपको बोला, हम अभी आगे घूमने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा घूमने के लिए। और यहाँ पे आपको देखो अलग अलग जितने भी पेड़ है उस पे आपको अलग अलग फूल दिखाई देंगे, बगना भारी हटा। ये देखो पिकनिक विलेज, तो अभी हम जा रहे हैं यहाँ पे। ये देखो कैसा बना है घूमने के लिए यहाँ पे सब। गाइस ये बहुत बड़ा है, आप पूरे दिन में नहीं घूम सकते। आपको यहाँ पे अगर घूमना है तो आपको कम से कम दो दिन का पैकेज लेना पड़ेगा, 24,000 का पैकेज है दो दिन का, क्योंकि बहुत बड़ा है, सच में नहीं घूम सकते। मैं भी सोच रहा, देखो जगह जगह पे आपको ही मिलेगा। इस एरो के साये से आप जा सकते हो, कहाँ से जाना है आपको, कहाँ से मैं भी ढूंढ रहा हूँ वही। ये देखो इधर जाते, तो गाइज़ यहाँ पे बहुत सारे होटल है, एक ही होटल नहीं है। आपको अलग अलग मतलब क्या बोलते हैं कंडीशन वाइज आपको इधर होटल्स मिल सकते हैं। अंदर के अंदर ही आप जैसे अफोर्ड कर सकते हो, जैसे आप पेमेंट को अच्छा लगे वो मैं आपको दिखा देता हूँ। फर्स्ट होटल है, उसके साइड में वो पूरा होटल लाइन से, यहाँ से आप इधर जाते हो यहाँ पर भी होटल है, वहाँ सामने होटल है, ये भी होटल से देता है बहुत मतलब बहुत। एक आदमी एक दिन में पूरा घूम भी नहीं सकता। और तो गाइस यहाँ पे आप सब देख सकते हो, स्वीट रूम, सुपर डिलेक्स रूम, और नीचे आप सब ये क्या है 11, 19, 21, 28, हाँ वो नंबर है शायद रूम के। बोटिंग, तो गाइस यहाँ पे बोटिंग के लिए, लेकिन अभी बंद है वो। देखो नीचे यहाँ पे होती है बोटिंग, वहाँ पे हम जाके आते हैं, अभी फ़िलहाल तो बंद है। तो यहाँ पे बोटिंग होती है, लेकिन अभी रिवर का उन्होंने गेट है वो बंद करके रखा है, वरना मैं आपको दिखा देता, लेकिन लंबे से देखेंगे क्योंकि आप कभी ना कभी तो आओगे। बारिश का मौसम है, पानी बहुत ज़्यादा भरा हुआ रहता है, इसके लिए भी बंद है। उसका टाइम है मंडे टू फ्राइडे 4:30 PM to 6:30 PM। ये देखो यहाँ पर बोटिंग की जाती है, ये भी बहुत बड़ा रिवर है गाइस, इसके लिए यहाँ पे ज़्यादा करके रिस्क रहती है बारिश के टाइम में। ये देखो आपको वहाँ पे बोट्स दिखाई देती रहेगी, देखो, और ये है बहुत बड़ा रिवर है गाइस। तो बहुत मज़ा आया, अभी शाम के 5 बजे हम इधर से अभी निकल रहे हैं, और आपने देखा रहेगा बहुत बड़ा रिसोर्ट है। सॉरी इसको ना लग्जरियस रिसोर्ट बोलते हैं, क्योंकि इसका पर डे का रेट है, सॉरी मतलब सुबह से शाम नहीं, पर डे मतलब पूरा नाइट, वन डे पूरा वन डे 12,000 कपल रेट है, कपल रेट 12,000, और अकेला का अकेले का कुछ 3 या 6,000 ऐसा कुछ था हमने पूछा, लेकिन मुझे कपल रेट मैंने जब पूछा ना तब वो बोले 12,000 रुपया, उसमें इंक्लूड खाना नाश्ता चाय, और यहाँ पे जितना घूम सकते हो उतना घूमो क्योंकि बहुत बड़ा है, आप थक जाओगे घूम घूम के। देखो इसके सामने मैं आपको बोर्ड दिखा दूँ, हमने जब एंटर किया अंदर तब हमें लगा सिर्फ एक ही या दो ही स्लाइड है, लेकिन जैसे जैसे हम अंदर अंदर घूमते गए ना बहुत सारी स्लाइड थी। और यहाँ पे आपको ये देखो, ये पीछे आपको पूरा घूमने के लिए बनाया है, यहाँ पे आपको सब एरो मिलेंगे आपको कहाँ पे जाने का है। ये देखो ऐसे बहुत सारे एरो और जगह पर, जैसे जैसे आप अंदर जाओगे ना, ये पूरा उन्होंने एक फॉरेस्ट टाइप बनाया घूमने के लिए, क्योंकि क्या है बहुत सारे लोग कंटाल जाते स्विमिंग पूल में, तो आप बाद में घूमने के लिए निकल सकते हो। हम भी अभी घूमेंगे, देखेंगे अंदर क्या है, क्या आपसे वैसे बातचीत करेंगे। और यहाँ पे फुल्ली वेजिटेरियन खाना है, नॉन वेज नहीं मिलता, आपको जैसे मैंने दिखाया वेज में क्या क्या खाना मिलता है। तो अभी हम यहाँ से घर पे जा रहे हैं, और थैंक यू सो मच साइलेंट रिसोर्ट क्योंकि हमको इन्वाइट करने के लिए, हम यहाँ पर 0 रुपीज़ में आए, हमको साइलेंट रिसोर्ट ने यहाँ पर इन्वाइट किया था और हम उनकी तरफ से आए, मैं और मेरे साथ अक्षय। अक्षय कैसे लगा
एक्सपीरियंस कैसा था? थैंक यू सो मच साइलेंट हिल रिसोर्ट, बहुत मजा आया हम लोग को। और वापस से इनवाइट करोगे तो हम लोग ना नहीं बोलेंगे, वापस से आएंगे। और क्या बोलो आपको, आपको जरूर यहाँ पे आना चाहिए।